पूर्णिया पहुंचे बिहार भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश लालू सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया को लूटने वाले इंडिया का नाम लेकर घूम रहे हैं। 2024 में सभी को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने मणिपुर की घटना के सवाल पर कहा कि मणिपुर से ज़्यादा बिहार जल रहा है, मगर तथाकथित बुद्धिजीवियों को वह दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश ने बिहार के 3 जनरेशन को बर्बाद कर दिया है। वहीं उन्होंने बिहार के 4th जनरेशन को बचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार थी तब बिहार में अपराध की कमी थी, मगर फिर बिहार जंगल राज से गुंडा राज की ओर अग्रसर हो रहा है। इंडिया को लूटने वाला इंडिया नाम रख करके अपना चेहरा छुपा करके तुष्टिकरण की राजनीति से देश को बर्बाद और कमजोर करने का खेल 21वीं सदी के भारत में नहीं चलेगा। ये 21वीं सदी का भारत हमारे स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे 21वीं सदी के भारत का घोषणा किए थे, और एक नरेंद्र नाम के आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सपना को साकार करने के लिए संकल्पित है। और इन तमाम भ्रष्टाचारी जो देश की जनता की अकूत संपत्ति को लूटकर अपने परिवार और वंशवाद को जेल जाने से बचाना चाहता है, वो इसी जमात इंडिया के नाम पर अपने चेहरा को छुपाना चाहता है। वह चेहरा नहीं छुपेगा, देश की जनता मालिक है। इन भ्रष्टाचारियों के चेहरे से नकाब हटाकर इनको जेल के शिकंजे के अंदर बंद करेगा, और इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो जनता की संपत्ति है जनता के हाथ में देने का जनादेश देगा। मणिपुर, मैं बिहार को जलते हुए देख रहा हूं। मणिपुर की एक घटना में जो कैंडल मार्च चलाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों, आज बिहार के उस दलित महिला पासवान समुदाय की बेटी का बेगूसराय में जिस तरह से वस्त्र को तार तार किया, चीरहरण किया, अररिया में जिस तरह से सामूहिक बलात्कार किया, बांका में क्यों मौन है, क्यों कैंडल नहीं जल रहा है, क्यों तथाकथित देश के अंदर उस बुद्धिजीवी जो बिहार के मामले में मौन धारण कर लेता है, जंगल राज से गुंडा राज बन जाने के बाद भी क्यों आवाज नहीं निकलती है। इन कायरों और हिजड़ों को बिहार के अंदर जो धधक रही आग है वो दिखाई नहीं पड़ता है क्या? बचाने के लिए 33 साल से बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव और अवसरवादी पलटाम नीतीश कुमार जी, इन दोनों से मुक्ति की जरूरत है, और अपने लिए नहीं तो आने वाला पीढ़ी के लिए। 33 साल में हर दशक में एक जनरेशन बदलता है। 3 दशक हमारा 3 जनरेशन को खा गया, 4th दशक के जनरेशन को बचाने की जिम्मेवारी हर समाज के हर पार्टी के अच्छे लोगों की जिम्मेवारी है। इन दोनों से मुक्ति के लिए मैं आह्वान भी करता हूं। सत्ता की डगमगाहट 11 से शुरू ही, 13 में पलटू राम ने पलटी मारा था और 17 में क्राइम चरम पर पहुंचा था। आकर के कल जोड़ करके बीजेपी से उन्होंने कहा था कि बिहार को संभाल लीजिए, गलती हो गई, हमने फिर चाणक्य बन के चंद्रगुप्त को मौका दिया बनने का, लेकिन जो जिसका नियत और नियति में नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है, आज फिर पलटू राम अपराध की घटना आज इतने चरम पर पहुंच रहा है। जवाब तो देना होगा, बताना होगा गृह विभाग किसके पास है। आज गृह विभाग का मामला हो, शिक्षा विभाग का मामला हो, सब जगह अराजकता किसके कारण है, ये जवाब तो देना होगा। The new era of style begins now. This is the boldly stylish Honda Elevate. Bookings open.
सीख, अपनों में प्यार और स्टाइल दोनों दिखेंगे। द बिग शॉप के साथ खुशियों और फैशन का त्योहार, पूरे परिवार के लिए सबसे शानदार और मनमोहक लुक की खरीदारी करें। कालीबारी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। द बिग शॉप पूर्णिया, कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वियर लहंगा, शेरवानी, कोट सूट, साड़ी, गाउन, किड्स वियर, सभी टॉप ब्रांड्स के साथ एकदम आपके बजट में। कालीबारी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।